मैं श्रीमती गीता पांडे मध्य प्रदेश से आई, रेलवे से सेवानियुक्त। मैंने अपने बेटे को जॉब दी और मैं रेलवे की जोनल प्रेसिडेंट थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन की झांसी की रानी की पदवी मुझे मध्य प्रदेश में मिली। मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लाड़ो अभियान की ब्रांड एम्बेसिडर बनाए महिला बाल विकास से, और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियम की भी मैं मध्य प्रदेश की सचिव हूँ। और मैं पेड़ पौधे लगाने में नर्मदा चल हरित पर्यावरण सोसर ग्रुप की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। मैं बच्चे के जन्मदिन पे एक पेड़ देती हूँ उनके घर जाके और लगाना चाहती हूँ, और उनके घर जाके मैं देखती भी हूँ कि वो पेड़ मेरा सूख तो नहीं गया, क्योंकि जैसा जैसा बच्चा पलेगा वैसे ही वैसा मेरा पौधा भी फल फूलना चाहिए। और मैं बहुत से इसमें मेरा NGO नहीं है, मैं स्वर्ण भारत परिवार को राष्ट्रीय पीयूष पंडित जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं उनको अपना बेटा मानती हूँ, क्योंकि उनमें जो शक्ति है उनमें जो ताकत है वो मैंने देखा है। एक मतलब कमज़ोर होने के जाया वो सशक्त महिलाओं को बनाते। मुझे आज उन्होंने मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसिडर बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। घरेलू हिंसा पे लंदन से घरेलू हिंसा पे मुझे सर्टिफिकेट आया है, बहुत जल्दी मैं लंदन जाने वाली हूँ जी। जी मेरे पति शांत होने के बाद मैंने जब मेरी उनकी जब अस्थि जा रही थी तो मैंने उनका कफन बांध के अपने सिर को बांधी। मैं बोली जब झांसी की रानी गोद में बच्चा लेके लड़ सकती तो मध्य प्रदेश की गीता पांडे क्यों नहीं लड़ सकती दुनिया से। लड़ने के लिए ताकत चाहिए, मेरी 5 P है, कड़ी मेहनत सच्ची लगन पक्के इरादे अनुशासन और ईमानदारी। इस 5 चीज को लेकर मैं मुट्ठी बांध के आगे निकली, मैंने पीछे चल कर नहीं देखी। आज मेरी बेटी इंजीनियर है, गूगल में काम कर रही, मेरा बेटा रेलवे में जॉब कर रहा। मुझे खुशी है एक विधवा होने के नाते लोग रेलवे में एक विधवा को इस तरीके से देखते कि अरे इसका पति गुजर गया, पर मैं नहीं डरी, मैं हार नहीं मानी ना मैं हार मानूंगी, क्योंकि मैं एक नारी शक्ति हूँ। जब मैं 9 महीने बच्चे पेट में रखती हूँ, बच्चों को जन्म देती हूँ, बच्चों को दुनिया बताती, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कर गुजरने की तमन्ना चाहिए।